हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी बेटनोवेटिस सी क्रीम की। गाइज, ये क्रीम को बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने चेहरे पर। कोई फेयरनेस के लिए यूज़ करता है, कोई पिंपल्स के लिए यूज़ करता है, कोई दाग धब्बे को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी को फ़ायदा मिलता है और किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ता है। स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो पता ही नहीं रहता कि इसका एक्चुअल यूज़ है क्या, अपने फेस पर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितने दिन तक इसका यूज़ करना चाहिए, कितने दिन के इसे छोड़ देना चाहिए। किसी ने बोल दिया बेस्ट से यूज़ करना चालू कर देते हैं, किसी फ्रेंड्स ने बोल दिया, किसी रिलेटिव ने बोल दिया तो अपने फेस पर लगाना शुरू कर देते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको इसका एक्चुअल यूज़ के बारे में बताऊंगी, साथ ही किसी को ये क्रीम यूज़ करने के बाद स्किन जो ख़राब हो चुकी है, इसका साइड इफेक्ट हो चुका है, उसको कैसे कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं उसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि अन्य वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका 30 ग्राम की क्रीम का प्राइस है 53 रुपीज़। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगी। बात करें इसमें डाले गए सॉल्ट के बारे में, तो इसमें दो मेडिसिन का यूज किया गया, एक है बेथामेथासोन और दूसरा है क्लियोक्लिनोन। गाइज, ये मेडिसिन का यूज स्किन डिजीज में किया जाता है। इसका यूज एक्जिमा की प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। अगर आपके स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो, तब आप इसे यूज कर सकते हो। स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ गए हों, खुजली आ रही हो, सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, तब आप इसे यूज कर सकते हो। अलावा ये क्रीम से दाग धब्बे भी मिटाया जा सकता है। बॉडी पर कहीं पर भी स्कार हो, स्पॉट्स वगैरह हो, उसको मिटाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइज, अगर आप इसे चेहरे पर यूज़ कर रहे हो, किसी भी टाइप की स्किन कंडीशन के लिए इसे यूज़ करते हो, बहुत लंबे समय तक इसे यूज़ करते हो, तो स्किन में बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो सकता है। आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बाल आ सकते हैं, फेस को ओवर सेंसिटिव बना देती है, स्किन जो है थोड़ी सी भी हीट जो है बर्दाश्त नहीं कर पाती है। गाइज, अगर आपके फेस पर यूज करना भी पड़े, तो अगर फेस पर कोई फंगल इन्फेक्शन भी हो गया हो या कुछ मेलाज्मा के लिए भी अगर आप इसे यूज़ करते हो, तो 7 दिनों से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। रिजल्ट जो है टेम्परेरी रहता है। अगर आप इसे मेलाज्मा के लिए यूज़ कर रहे हो या दाग धब्बे के लिए यूज़ कर रहे हो, छोड़ने के बाद स्किन जो है वापस से पहले जैसे हो जाती है, ठीक है। तो इसका यूज़ करने से पहले वो एरिया को साफ कर लेना है। अगर आप फेस पर यूज़ करते हो तो अपने फेस को पहले अच्छे से वॉश कर लेना, उसके बाद ओनली इफेक्टेड एरिया में यूज़ करना, फुल फेस पर यूज़ नहीं करना। अगर ये क्रीम लगाने से किसी को ऑलरेडी साइड इफेक्ट हो चुका है, फेस ख़राब हो चुका है, तो वो लोग अपने फेस पर हल्दी, चंदन और कच्चा दूध मिलाकर रोजाना अपने फेस पर लगाए। अगर चंदन नहीं है तो कोई बात नहीं, कच्चा दूध में हल्दी मिलाकर भी आप लगा सकते हो। ये फेस पैक लगाने से स्किन जो है धीरे धीरे इंप्रूव होगी और चेहरे से दाग धब्बे भी चला जाएगा, स्किन का कलर जो है इंप्रूव होगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।